इंडियन एस्ट्रोनॉमर की टीम ने ओपन क्लस्टर को ढूंढ निकाला है और प्लैनेट 9 के बाद सोचा जा रहा था कि यह खाली जगह है, लेकिन नहीं, इसमें भी बहुत कुछ है। एस्ट्रोनॉमी ये वो फील्ड है जहाँ पे हमारा इंडिया धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको यह पता होगा कि आज तक हमने जितने भी नए नए खोज के बारे में बात किया है वो ज़्यादातर ESO यानी यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी या फिर नासा द्वारा रिसर्च होता है। और अब मुझे खुशी हो रही है इस बात को कहते हुए कि इंडियन एस्ट्रोनॉमर की टीम ने इंडियन स्पेस टेलीस्कोप को यूज़ करके ही एक ओपन क्लस्टर को ढूंढ निकाला है, जो सच में काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है हम इंडियंस के लिए। वेल, इसी के साथ एक और न्यूज़ है जो सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के तहत एस्ट्रोनॉमर के एक टीम ने 100 से भी ज़्यादा ब्राउन ड्वार्फ को खोज निकाला है, जो ज़्यादातर प्लैनेट 9 के उस पार है। ब्राउन ड्वार्फ यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट से बड़े होते हैं लेकिन स्टार से काफ़ी छोटे होते हैं, यानी यह प्लैनेट और स्टार के बीचों बीच कहा जाता है, और इनको फेलियर स्टार भी कभी कभी कहा जाता है। तो 100 से भी ज़्यादा ब्राउन ड्वार्फ को खोजा गया है। इसी के साथ एक और न्यूज़ है जो बाइनरी स्टार सिस्टम की, जिसको हाल ही में ही खोजा गया है। और ये बाइनरी स्टार सिस्टम जो है वो आज तक की जितने भी स्टार सिस्टम आपने सुने होंगे उनसे सबसे ज़्यादा यूनिक है। तो इन सभी एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया इन्हीं एस्ट्रोनॉमी वीडियोज़ को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो हे गाइस, स्वागत है आपको साइंस फॉर पीस के एक और एपिसोड में। मैं पिंकू दास, चलते हैं एक और सफर में। अगर हम बाइनरी स्टार सिस्टम की बात करें तो अभी जो नया बाइनरी स्टार सिस्टम खोजा गया है इससे ज़्यादा यूनिक शायद ही आपने कभी सुना है। अगर सुना है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर कहना। इंडिया जो एस्ट्रोनॉमी में धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, और इस न्यूज़ ने सच में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भर दिया था मुझे। इंडियन एस्ट्रोनॉमर के एक टीम जिसको लीड कर रहे थे सौरभ शर्मा, जो कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस यानी एरिस से 3.6 मीटर DOT यानी डवस्टल ऑप्टिकल टेलीस्कोप से डीप नेयर इंफ्रारेड यानी NIR सर्वे के तहत इस ओपन क्लस्टर के बारे में कई सटीक इन्फॉर्मेशन दे पाए थे। अगर हम ओपन क्लस्टर की बात करें तो ओपन क्लस्टर दरअसल तारों का कुछ गुच्छा होता है जहाँ पे आपको 100 से भी ज़्यादा तारे मिल जाते हैं, और ये बनते हैं जाइंट मोलिकुलर क्लाउड से। और हमारे मिल्की वे में अब तक करीब 1000 से भी ज़्यादा ऐसे ओपन क्लस्टर पाया गया है। तो ये जो ओपन क्लस्टर है इसको पहले भी देखा गया था, और इसके बारे में कई सारे इन्फॉर्मेशन जो थे वो सटीक नहीं थे। पहले हुए रिसर्च में यह कहा जा रहा था कि ये जो ओपन क्लस्टर है ये हमसे करीब 4500 से लेकर 5200 लाइट ईयर दूर है, और उसके बाद इसको ये कहा जा रहा था कि ये करीब हमसे 5700 लाइट ईयर दूर है, और जहाँ पे इसका जो उम्र है वो बताया जा रहा था 100 से लेके 630 मिलियन ईयर्स तक हो सकता है। तो पहले जितने भी रिसर्च किए जा रहे थे इसी ओपन क्लस्टर को लेके वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थे, और पूरी जो सटीक इन्फॉर्मेशन है वो भी दे नहीं पा रहे थे। इसीलिए इंडियन एस्ट्रोनॉमर की यह टीम इस ओपन क्लस्टर के ऊपर अपनी नज़र बनाए हुई थी। इस ओपन क्लस्टर का नाम रखा गया है जेनरिक 3। इन्हीं इंडियन एस्ट्रोनॉमर के बदलत इसका जो एज या फिर ये कितना दूर है उसका अनुमान किया गया, और उनके रिसर्च में इसका एज बताया जा रहा है 900 मिलियन ईयर से, वही ये हमसे करीब 11400 लाइट ईयर दूर है। और इस क्लस्टर में 45 जाइंट स्टार्स को भी ढूंढा गया है इन्हीं इंडियन एस्ट्रोनॉमर के द्वारा, और हमें उम्मीद है कि ऐसे ही हमको और भी बहुत सारे न्यूज़ इंडियन एस्ट्रोनॉमर द्वारा ज़रूर मिलेगा। वेल, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दुनिया भर के बहुत सारे साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर और डाटा स्लूथिंग वॉलेंटियर्स एक सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिए थे, जिसके तहत उनको बैकयार्ड वॉल्स ऑफ प्लैनेट 9 के बारे में खोज करना था, और इसके लिए उनको हवाई स्थित WM किक ऑब्जर्वेटरी द्वारा ट्रिलियंस ऑफ पिक्सल्स इमेज को खंगालना था।
और उन्हीं इमेज को खंगालते हुए उनको 100 से भी ज़्यादा ठंडे ब्राउन ड्वार्फ मिला था। हालांकि उनका करीब 1500 स्टार और ब्राउन ड्वार्फ मिला था, लेकिन इनमें से सिर्फ 100 ही ऐसे थे जिनका टेम्परेचर लगभग हमारे पृथ्वी के आसपास ही था। तो अब ब्राउन ड्वार्फ है क्या? दरअसल ब्राउन ड्वार्फ प्लैनेट से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और स्टार से काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, जो ना तो प्लैनेट है और ना ही स्टार है। उनको फेलियर स्टार भी कभी कभी कहा जाता है। वो इतना मैसिव नहीं होते कि उनके कोर में जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाए, इसीलिए उनको फेलियर स्टार भी कहा जाता है। वेल, इतने दिन तक सोचा जा रहा था कि प्लैनेट 9 के बाद कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से खाली है, लेकिन इस रिसर्च ने इस बात को पूरी तरह से ना कर दिया था। और उन्हीं ब्राउन ड्वार्फ में से कुछ के टेम्परेचर हमारे पृथ्वी जैसा ही है, मतलब पृथ्वी में जो टेम्परेचर है वही उनमें भी पाया जा सकता है, लेकिन कुछ के टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और कुछ काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है। वेल, इनको लेके और भी बहुत ज़्यादा रिसर्च बाकी है और अभी तक करीब 1500 ऐसे ब्राउन ड्वार्फ और स्टार्स को खोजा गया है, लेकिन 100 ही ऐसे हैं जिनको टेम्परेचर हमारे पृथ्वी जैसा है। और इस प्रोजेक्ट में करीब 100,000 सिटीजन साइंटिस्ट ने भाग लिया था। वेल, हमें और भी बहुत कुछ जानना बाकी है इन्हीं ब्राउन ड्वार्फ के बारे में। वेल, नेक्स्ट जो अपडेट है वो एक बाइनरी स्टार सिस्टम को लेके है। बाइनरी स्टार सिस्टम यानी दो तारे एक साथ डांस करते हैं, अगर हम सिंपली फॉर्म में कहें तो। खैर, कैटलिस्मिक वेरिएबल स्टार, यह एक बाइनरी स्टार सिस्टम होता है जहाँ पे एक वाइट ड्वार्फ और उसी के साथ एक नॉर्मल स्टार होता है। और आप तो जानते हो वाइट ड्वार्फ तभी बनता है जब किसी बड़े स्टार का सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। तो ये जो बाइनरी स्टार सिस्टम खोजा गया है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कैटलिस्मिक वेरिएबल स्टार के ग्रुप में आता है और इस ग्रुप में जो स्टार होते हैं वो इरेगुलर और अनोखे तरीके से और काफ़ी ज़्यादा लार्ज फैक्टर में उनके जो ब्राइटनेस है वो वेरी करता है। कभी इनके ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद ये बहुत ही डिम हो जाते हैं। दरअसल ये जो बाइनरी स्टार सिस्टम है जहाँ पे एक वाइट ड्वार्फ और एक नॉर्मल स्टार होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसके वजह से इनकी जो ग्रेविटी है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर जो प्रभाव है वो पड़ता है। और इसी कारण जो नॉर्मल स्टार होता है उसका जो गैस या फिर जो प्लाज्मा होता है वो ब्राउन ड्वार्फ अपने तरफ खींच लेता है, जिसके वजह से उसके चारों तरफ एक एक्रेशन डिस्क बन जाता है। उसी एक्रेशन डिस्क के टेम्परेचर में जब उतार चढ़ाव आता है तब गैस के एक आउटब्रस्ट निकलता है जो काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है और यही इसके ब्राइटनेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, और इन्हीं वजह से इनको कैटलिस्मिक वेरिएबल स्टार भी कहा जाता है। वेल, कैटलिस्मिक वेरिएबल स्टार एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जहाँ पे एक वाइट ड्वार्फ रहता है और उसी के साथ एक नॉर्मल स्टार भी रहता है और उसी वाइट ड्वार्फ से काफ़ी ज़्यादा आउटब्रस्ट भी निकलता है। इनको संक्षेप में CB भी कहा जाता है, CB यानी कैटलिस्मिक वेरिएबल स्टार। अब जिन CB यानी कैटलिस्मिक वेरिएबल स्टार के आउटब्रस्ट के जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये जो आउटब्रस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहता है या फिर इसको सुपर आउटब्रस्ट भी कहा जाता है, उनको SU ऊर्षा मेजोरिस कहा जाता है। यानी CB स्टार में से जिनके आउटब्रस्ट काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर, ब्राइटर या फिर सुपर आउटब्रस्ट होता है उनको SU ऊर्षा मेजोरिस भी कहा जाता है। अब उन्हीं SU ऊर्षा मेजोरिस तारों में से जिनके आउटब्रस्ट वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड आउटब्रस्ट होता है या फिर डबल पीक वेरिएशन देखा जाता है या फिर जिनके जो सुपर आउटब्रस्ट है उसके बाद एक और रीब्राइटनिंग देखा जाता है, उनको कहा जाता है WZ सेजिटेरियस स्टार, जो कि एक सब क्लास है SU ऊर्षा मेजोरिस की। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, CB यानी कैटलिस्मिक वेरिएबल स्टार, इनमें से कुछ को कहा जाता है SU ऊर्षा मेजोरिस और इसी SU ऊर्षा मेजोरिस में से कुछ को कहा जाता है WZ सेजिटी स्टार्स। और इतना कहने का मकसद यही है कि अभी हम जिस तारे के बारे में बात कर रहे हैं वो इसी WZ सेजिटी स्टार में आता है। इसको ढूंढा था ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के रयान रीडन हैंपार ने पेन स्टार स्पेसक्राफ्ट से, और इस तारे को हाल ही में ही ढूंढा गया है। इस बाइनरी स्टार सिस्टम को ऐसे जगह पाया गया जहाँ पे तारों का काफ़ी ज़्यादा समूह रहता है, उसी के वजह से पेन स्टार से कभी भी उस तरफ देखा नहीं गया था। और इन ग्रुप के तारे ज़्यादातर मिल्क वे के सेंटर में
या फिर बड़े क्लस्टर में पाया जाता है। सच में यह तारे काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।